लास्ट टाइम देख रहे थे हम जी रिकवरी कैटलॉग क्रिएशन हमने देखा था। अच्छा जी, मैं ये करने के बाद आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप भी खुद साथ साथ क्रिएट करें रिकवरी कैटलॉग, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो चलूंगा। अच्छा, जब रिकवरी कैटलॉग के थ्रू आपने रिकवरी कैटलॉग क्रिएट की और बैकअप लेना है, और आप चाहते हैं कि बैकअप जब आप लें तो रिकवरी कैटलॉग में इन्फॉर्मेशन जाए बैकअप्स की, तो क्या तरीका है? उसके साथ कनेक्शन, यानी आप आर्मिन इनवोक करेंगे, टारगेट से भी कनेक्ट हो जाए और कैटलॉग से भी कनेक्ट हो जाए। और फिर बैकअप करें, ठीक है। यहां इस तरीके से तो क्या होगा कि जब भी आप बैकअप लेंगे, वो बैकअप की इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि कंट्रोल फाइल में स्टोर हो रही है, वो कैटलॉग में भी स्टोर होगी। अच्छा, अब अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू बैकअप लें किसी भी मशीन डेटाबेस का, हर डेटाबेस का अपना इंटरप्राइज मैनेजर होगा, ठीक है जी। तो आप जब बैकअप लेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस के इंटरप्राइज मैनेजर को एक्सेस करेंगे। जैसे मैं अपनी ये डेटाबेस है, इसका बैकअप लेना चाहता हूं, तो मैं अवेलेबिलिटी के टैब पे जाऊंगा और यहां पे स्केड्यूल बैकअप करूंगा और ये एक बैकअप ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू जो बैकअप लेगा, वो रिकवरी कैटलॉग से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको पता नहीं है। एक विजिट चलेगा इसमें, किसी विजिट में वो किसी जगह नहीं पूछेगा आप रिकवरी कैटलॉग से कनेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं जब भी आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू बैकअप लें, वो हमेशा रिकवरी कैटलॉग से कनेक्ट हो। तो आप इंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबिलिटी में जाके बैकअप एंड रिकवरी में रिकवरी कैटलॉग सेटिंग्स का लिंक है उस पर जाएंगे और वहां पे आप बताएंगे कि आपकी रिकवरी कैटलॉग कौन सी मशीन के ऊपर कौन सी डेटाबेस में है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे देखें जो रिकवरी कैटलॉग है वो कंट्रोल फाइल है। मैं चाहता हूं इसको जी रिकवरी कैटलॉग दे दूं, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा यूज रिकवरी कैटलॉग। अभी इस वक्त कोई कैटलॉग कन्फिगर नहीं हुई तो मैं ऐड करूंगा। हाँ जी, उसकी तो मैं अपनी मशीन का आईपी या नाम दे दूंगा, मतलब जिस मशीन के पे वो रिकवरी कैटलॉग है। तो मैं आईपी है जी 10.192.168.0.99/4/15/21 है। डेटाबेस का नाम db11g है। कैटलॉग यूजर का नाम rmin_fraud है और पासवर्ड उसका और एक नेक्स्ट करते हैं। तो ये मेरी रिकवरी कैटलॉग की सेटिंग्स हो गई हैं। यहाँ पे आप एक से ज्यादा कर सकते हैं। रिकवरी कैटलॉग का यूजर नेम दे दें, यहाँ पे आप rmin_fraud उसका पासवर्ड दे दें और उसको आप यूज रिकवरी कैटलॉग पे क्लिक कर दें और सेव कर दें क्रेडेंशियल और ओके कर दें। एक और आप मल्टीपल रिकवरी कैटलॉग ऐड कर सकते हैं। अब इससे ये होगा कि जब आप इंटरप्राइज मैनेजर से भी बैकअप लेंगे ना, तो यहाँ ये टारगेट डेटाबेस से भी कनेक्ट होगा, यानी कि हर डेटाबेस का अपना इंटरप्राइज मैनेजर ना, तो टारगेट से भी कनेक्ट होगा, कैटलॉग से भी कनेक्ट होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सेटिंग नहीं करते तो ये सिर्फ इंटरप्राइज मैनेजर में सिर्फ टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट होगा, रिकवरी कैटलॉग से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हमने जो कल एक बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल फाइल सिस्टम की जोड़े यहाँ से जोड़े, उसके लिए आपने कहा था सिर्फ उसी कंट्रोल कनेक्ट होना है, फिर हमें ये विषय नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो इधर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बस मतलब आप इसको डिस्कनेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ना उसको यूज कंट्रोल फाइल वाला ऑप्शन, ठीक है जी। और अनरजिस्टर्ड करना अगर आपने तो इंटरप्राइज मैनेजर से भी कर सकते हैं और आर्मिन के प्रॉम्प्ट पे जाके कैटलॉग और टारगेट दोनों से कनेक्ट हों और अनरजिस्टर्ड डेटाबेस की कमांड दें, वो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन कैटलॉग की टेबल्स में से निकाल लेगा। और एडिशनल बैकअप्स आपने कैटलॉग करने हों, अब क्या क्या कैटलॉग कर सकते हैं, इमेज कॉपीज कर सकते हैं और बैकअप सेट्स कर सकते हैं। लेट्स से ऐसे बैकअप सेट्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में से भी निकल गई थी, लेकिन वो आपके पास बैकअप सेट्स पड़े हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं कैटलॉग बैकअप पीस और आगे उस फाइल का नाम और पाथ दे दें, तो उस पीस को पढ़ेगा उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में भी और अगर आप रिकवरी कैटलॉग से कनेक्टेड हैं तो रिकवरी कैटलॉग में भी पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। ये यूजली 10G ऑनवर्ड ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये किया जाता है कि लेट्स से आप देखें जब आप बैकअप लेते हैं ना,
तो कंट्रोल फाइल में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? कंट्रोल फाइल में स्टोर होती है जी के बैकअप, कौन सी डेटा फाइल्स का बैकअप हुआ, फाइल्स कौन सी थी जिनका बैकअप हुआ, और बैकअप कहां पे हुआ, लोकेशन बैकअप की, नेट से बैकअप हुआ जी U01 में बैकअप के फोल्डर में, और वहां पे कुछ बैकअप पीसीज बन गए जहां पे बैकअप हुआ। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टाइप क्या थी, साइज क्या था एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर जाएगी और रिकवरी कैटलॉग में भी जाएगी। अब जब आप रिस्टोर करने जाएंगे डेटाबेस रिस्टोर करेंगे, डेटा फाइल रिस्टोर करेंगे, वो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा कि कौन सी फाइल रिस्टोर करनी है, वो कौन से बैकअप पीस के अंदर है, वो बैकअप पीस कहां पे पड़ा हुआ है, तो वहां से रिस्टोर करेगा। अब ये होता है कि लेट से आपकी एक प्रोडक्शन डेटाबेस है और एक टेस्ट इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन पे पाथ डिफरेंट है, टेस्ट पे पाथ डिफरेंट है। आप प्रोडक्शन पे आपके पास माउंट पॉइंट है U02 के नाम से, टेस्ट पे आपके पास U02 के नाम से नहीं है, D02 के नाम से। अब अगर आप बैकअप जाके D02 पे मूव कर देंगे और वहां से रिस्टोर करेंगे, ट्राई करेंगे, तो एरर दे देगा वो, यहां पे आपको अटेम्प्ट करेगा कि वो बैकअप कहां पे पड़ा हुआ है, U02 पे एरर आ जाएगा आपको। तो उस केस में फिर 99 में तो ये था कि हमें पाथ सेम रखने पड़ते थे, दूसरी मशीन पे आपने रिस्टोर करना है तो उसी नाम से पाथ होना चाहिए, वर्क अराउंड्स भी थे लेकिन हमें पाथ अल्टीमेटली सेम रखने पड़ते थे। अब 10G ऑनवर्ड ये है कि आप बैकअप की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कंट्रोल फाइल में से या कैटलॉग में से, इन्फॉर्मेशन निकाल दें और दोबारा से रीपॉपुलेट कर लें नई लोकेशन के साथ, और ये कैटलॉग की कमांड से की जा सकती है। ये हम करके देखेंगे, हम दूसरी मशीन पे भी रिस्टोर करना देखेंगे शायद आज, तो हम कैटलॉग बैकअप पीस और फाइल का नाम और पाथ दे देंगे, वो नए पाथ के साथ उसको कंट्रोल फाइल के अंदर रजिस्टर कर लेगा, रिकवरी कैटलॉग के टेबल्स में भी रजिस्टर कर लेगा अगर रिकवरी कैटलॉग से आपको कनेक्टेड है। अब जब आप रिस्टोर करने जाएंगे तो वो उसको लोकेशन उसकी अपडेटेड होगी, वहां से वो रिस्टोर अटेम्प्ट करेगा। देखिए बैकअप सेट्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ना, एक सेट के अंदर मल्टीपल पीसेस होते हैं, आप जहां पे उनको रखना चाहते हैं, आपके पास एक सिंगल लोकेशन पे इतनी जगह नहीं है कि वो पीसेस आ सके, मल्टीपल लोकेशन पे रखने सेट्स आप जैसे पर चैनल एक होता है, हर चैनल का एक सेट होता है और एक सेट में बाइट पॉइंट एक पीस होता है, एक से ज्यादा पीसेज भी आ सकते हैं एक सेट के अंदर। ठीक है, वो देखेंगे आगे भी। अच्छा, यूज द कैटलॉग कमांड टू एड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैकअप फाइल्स टू द रिकवरी कैटलॉग, कंट्रोल फाइल कॉपीज, डेटा फाइल कॉपीज, बैकअप कॉपीज और आर्काइव्ड ब्लॉक फाइल्स, इन सबको कैटलॉग किया जा सकता है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब आरमैन के थ्रू ही उनको रिस्टोर किया जा सकता है, ऐसे बैकअप जिनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में नहीं थी वो अगर आप रिस्टोर करना चाहें तो वो काफी लेंथी प्रोसेस होगा, और आरमैन के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए तो सिर्फ रिस्टोर की कमांड लाएंगे और रिस्टोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आप जो मैनुअल स्टेप्स हैं उनसे बच जाएंगे। ओके, देन इज रिकवरी कैटलॉग रीसिंक्रोनाइजेशन। जो रीसिंक्रोनाइजेशन होती है वो या तो पार्शियल होती है या फिर फुल होती है। अच्छा, पार्शियल कब होती है? जब आप आर्काइव्स का बैकअप लें या बैकअप सेट्स लें या डेटा फाइल कॉपीज का बैकअप लें, तो पार्शियल रिकवरी कैटलॉग आपकी वो कंट्रोल फाइल के साथ सिंक्रोनाइज होगी, और अगर आप सिंपली ये करें कि रीसिंक की कमांड दे दें रीसिंक कैटलॉग, तो वो फुल आपकी जो कैटलॉग है और कंट्रोल फाइल है वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। सिंक्रोनाइजेशन वो करनी क्यों पड़ती है? सिंक्रोनाइजेशन इसलिए करनी पड़ती है कि रिकवरी कैटलॉग से आप कनेक्ट ही नहीं हुए काफी दिन और बैकअप लेते रहे यार, डिफरेंट आपकी डेटाबेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो गई है, कंट्रोल फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन है कि डेटा फाइल्स टेबल स्पेस नहीं ऐड होगी है, लेकिन रिकवरी कैटलॉग में इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट नहीं हो सकी क्योंकि अभी बैकअप ही नहीं हुआ, या बैकअप होने में अभी टाइम है, जब बैकअप होगा तो वो सिंक्रोनाइज होगी, तो आप पहले से ही रीसिंक कर सकते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल दोनों में वॉइस वर्स रीसिंग में भी वो भी हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मैनुअली रीसिंक्रोनाइज द रिकवरी कैटलॉग इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, आफ्टर द रिकवरी कैटलॉग वाज अनअवेलेबल फॉर आरमैन टू ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज इट, व्हेन यू परफॉर्म इनफ्रीक्वेंट बैकअप्स ऑफ योर टारगेट डेटाबेस एंड आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, रीसिंक कैटलॉग की कमांड है, उसके थ्रू आप रिकवरी कैटलॉग को रीसिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग ऐसा करें कि कैटलॉग क्रिएट करें, लास्ट टाइम जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए थे रजिस्टर करते हैं तो कहीं उसके अंदर जाके कुछ कर देता हूँ।
यानी अगर हमारे कैटलॉग का खत्म होता है, फॉर्मेट हो जाता है, हम एक साथ ही नहीं आते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, वो बैठेगा नहीं, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कैटलॉग के ऊपर, आपके प्रोडक्शन या कोई भी डेटाबेस, जो टारगेट डेटाबेस है वो कैटलॉग पे डिपेंडेंट है। हाँ, इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आपने वो ऑप्शन सेट किया हुआ है तो वो फिर हर दफा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, एरर आएगा उसको, जब आपने किया तो उसको कंट्रोल फाइल कर दिया। ओके जी, आगे चलते हैं। यूजिंग आर्म एंड स्टोर स्क्रिप्ट, आप क्या कर सकते हैं जी, स्क्रिप्ट क्रिएट करके कैटलॉग में स्टोर कर सकते हैं, आप बार बार रन की ब्लॉक ताकि आपको ना देना पड़े। तो स्क्रिप्ट दो तरह के हो सकते हैं जी, लोकल स्क्रिप्ट हो सकते हैं और ग्लोबल स्क्रिप्ट हो सकते हैं। लोकल स्क्रिप्ट आपने लेट्स से क्रिएट किया तो जिस पर्टिकुलर डेटा टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट करके वो स्क्रिप्ट क्रिएट करें वो सिर्फ उसी डेटाबेस के अगेंस्ट वो यूज हो सकता है। ग्लोबल स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जब आप वो यूज करेंगे स्टोर करेंगे तो किसी भी टारगेट से कनेक्ट होकर उस स्क्रिप्ट को आप कॉल करके बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, करते हैं जरा आर्मेन टारगेट स्लैश कैटलॉग प्रॉड ओरेकल। ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा जी क्रिएट स्क्रिप्ट फुल अंडरस्कोर बैकअप के नाम से कर लेता हूं, कर्ली ब्रैकेट्स, लेट्स से मैं चैनल एलोकेट करता हूं, ये मैंने एक सॉरी फुल बैकअप, मैंने इसको नाम गलत दे दिया, इसको नाम होना था चाहिए था आर्काइव बैकअप। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमांड जो दिया वो आर्काइव लॉग ऑल डिलीट ऑल इनपुट दी है। अब ये लेट्स ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मैं करूंगा रन और कर्ली ब्रैकेट्स एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नाम और सेमी कॉलन कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, स्क्रिप्ट में जो कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा, बैकअप आर्काइव को डिलीट डाल, जब बैकअप हो जाए तो उनको डिलीट कर दो, फिर आगे लिखे इनपुट। हाँ, इनपुट का मतलब है कि वो जो आर्काइव डिलीट बैकअप हो उनका सिर्फ डिलीट, उनको सिर्फ डिलीट करे, सबको ना डिलीट कर दे। जैसे कुछ आर्काइव हो सकता है वो बैकअप ना कर सके, वो यानी कि वो इस बैकअप के दौरान वो जनरेट हो या बाद में जनरेट हो। हाँ, अदरवाइज अगर आप सिंपली करेंगे ना डिलीट आर्काइव लॉग दो फिर सबको डिलीट कर देंगे। आर्काइव्स जिन आर्काइव्स का बैकअप ले लेगा। हाँ जी, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ग्लोबल स्क्रिप्ट क्रिएट करना तो क्रिएट ग्लोबल स्क्रिप्ट की कमांड है। ठीक है, तो ग्लोबल स्क्रिप्ट क्या होगा कि वो फिर आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होके किसी भी टारगेट से कनेक्ट होके उसके उसके क्या सकते हैं, जब हम किसी से कनेक्ट होते तभी चलेगा, तभी चलेगा, अगर हम किसी और डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो फिर नहीं चलेगा। ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारी टारगेट से हो रहा है? नहीं नहीं, ये कैटलॉग के अंदर, कैटलॉग के टेबल वो भी करी फॉर ये लोकल बाइट वाइड लोकल स्क्रिप्ट होता है वो सिर्फ जिस टारगेट से आप कनेक्टेड होते हैं उसी के अगेंस्ट यूज हो सकता है। ग्लोबल स्क्रिप्ट होता है जो आप क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में बता रहे होते हैं ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब है वो किसी भी डेटाबेस के अगेंस्ट यूज हो रहा है, जो उस टारगेट डेटाबेस जो उस कैटलॉग के साथ रजिस्टर्ड है। पर्सन डी देंगे तो एस आई डी आ जाएगी ना, पर्सन डी दें तो वो एस आई डी डेटाबेस का नाम एस आई डी का वो डाल देगा उसमें। रन आप देखें, आप अपनी मर्जी से चैनल एलोकेट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से पीस का साइज, सेट का साइज, लोकेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजें देना चाहते हैं तो फिर आप रन का ब्लॉक लिखते हैं। आप क्या किया आपने, आप सिर्फ मैंने हमें कैटलॉग से कनेक्टेड हैं, टारगेट किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी टारगेट से कनेक्टेड है। अच्छा, लेकिन उसने तो ये आपको जो मैसेज दिया है ना कनेक्ट पूरा लिखेंगे। मैसेज दोबारा पढ़े, फेलियर ऑफ
बैकअप कमांड ऑन सी थ्री चैनल आगे है एस एल टी एल एनवायरमेंट वेरिएबल कंट्रोल पे लोड है। आपने चैनल थ्री में क्या एलोकेशन में क्या कुछ किया? फॉर्मेट परसेंट एस स्मॉल होगा, परसेंट डी स्मॉल होगा, परसेंट पी स्मॉल होगा, लेकिन वो सिंगल पोर्ट में दिए तो फिर तुमको मसाना लेकिन उस केस में हर चैनल एक ही नाम से फाइल बनाने की कोशिश करेगा, एरर आएगा। परसेंटेज देना इसलिए जरूरी है ताकि फाइल का नाम यूनिक जनरेट हो, ठीक है। परसेंट एस परसेंट पी देना जरूरी है, अगर फाइल का नाम फिर हर चैनल एक ही फाइल का नाम बना रहा होगा, वो एस पे उस लोकेशन पे एक नाम से एक से ज्यादा फाइल नहीं हो सकती, ठीक। ओके जी, अच्छा जी, अगर आपने स्क्रिप्ट देखने हो तो प्रिंट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम है तो आपको सारा स्क्रिप्ट दिखा देगा। नहीं, वो अगर आप सारे स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं तो लिस्ट स्क्रिप्ट नेम की कमांड है, लिस्ट। तो आपको जितने स्क्रिप्ट आपने स्टोर किए हैं वो आपको दिखा देगा। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की कमांड देखनी है तो प्रिंट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम देनी है, ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा। सर, जो हमने क्रिएट स्क्रिप्ट किया था तो वो फर्स्ट टाइम चलाता तो नहीं, उसको सिर्फ क्रिएट ही करता है, सिर्फ क्रिएट करता है, चलाता नहीं है जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। प्रिंट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का नाम टू फाइल और सिंगल कोर्स में फाइल का नाम और फा दे दें तो वो स्क्रिप्ट वो एक फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। अगर हाँ जी बिल्कुल स्पून कर रहे हो, एट द रेट करके अगर आप आर्मेंट के प्रॉम्प्ट पे आए, आपने कोई कमांड किसी फाइल में स्टोर की हो तो एट द रेट फाइल का नाम और पा दे दें तो वो उसमें से उठा के, जैसे आप एसक्यूएल प्लस में कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं आर्मेंट के ऊपर भी आप इसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम और आगे फिर पूरी कमांड दोबारा देंगे वो स्क्रिप्ट ओवरराइट हो जाएगा, और रिप्लेस ग्लोबल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम फ्रॉम फाइल और फाइल का नाम देंगे तो वो फाइल में आपने जो कमांड लिखी है उसको उठा के स्क्रिप्ट में सेव कर देगा कैटलॉग के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं? ओके। एंड डिलीट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम देंगे, फाइल से उठा के कर देगा। हाँ, वहाँ फाइल में कंप्लीट वही फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ? सब कुछ बिल्कुल वही होना चाहिए, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर स्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एरर देगा आपको, डिस्क्रिप्टिव एरर देगा आपको सारे, बिल्कुल एडिट कर। अच्छा सर, एक चीज और, हम जब स्क्रिप्ट क्लियर कर रहे हैं तो उसको वैलिडेट करते हैं कि ठीक है जो डाला चलाते, वैलिडेट करेगा अदरवाइज निकलने देगा। अच्छा, रिकवरी कैटलॉग का कैसे बैकअप कर सकते हैं जी? रिकवरी कैटलॉग का बैकअप आप कर सकते हैं आर्मेन के थ्रू और या टेप के ऊपर या डिस्क के ऊपर, या फिर आपके पास लॉजिकल बैकअप का ऑप्शन है अवेलेबल है। रिक्रिएटिंग एंड अनरिकवरेबल रिकवरी कैटलॉग, अगर आपके रिकवरी कैटलॉग वाली डेटाबेस करप्ट हो जाए और आपके पास रिकवरी कैटलॉग का बैकअप नहीं है तो आप क्या करेंगे? पार्शली उसकी रिकवरी कर सकते हैं, नई रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करें, रीसिंक करें टारगेट डेटाबेस के साथ, उस कंट्रोल फाइल में जो कुछ होगा वो तो रिकवरी कैटलॉग में चला जाएगा। और फिर लेट से कुछ ऐसे आपके पास बैकअप्स पड़े हैं जो कंट्रोल फाइल में नहीं थे, उनको कैटलॉग कर लें मैनुअली, अच्छा। तो आपकी कुछ हद तक आपके रिकवरी कैटलॉग रिकवर हो जाएगा। नहीं, ये नई कैटलॉग बना के सब कुछ होगा। हाँ, ये नई कैटलॉग, लेट से आपके पास पुराने का बैकअप ही नहीं था, ये रिक्रिएट, ये इसलिए कहा ना रिक्रिएटिंग एंड अनरिकवर रिकवरी कैटलॉग, ठीक है। तो रिक्रिएट होगी, रीसिंक से क्या होगा कि वो कैटलॉग फाइल से रीसिंक होगा। ये क्या कैटलॉग? कैटलॉग स्टार्ट विद, अब देखें हमने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी कैटलॉग बैकअप पीस, हमने देखा जी बैकअप पीस और फाइल का नाम। लेट्स से आपके बहुत सारे बैकअप पीसीज पड़े हुए हैं, 10 बैकअप पीसीज पड़े हुए हैं यूजर वन में बैकअप के फोल्डर में, आप चाहते हैं सारे एक ही कमांड से रिकवरी कैटलॉग में रजिस्टर हो जाए या कंट्रोल फाइल में रजिस्टर हो जाए, तो आप करेंगे कैटलॉग स्टार्ट विद स्लैश यूजर वन स्लैश बैकअप, तो वो उस पूरे पाथ में जितने स्क्रिप्ट होंगे वो सारे खुद ही उठाएगा और रजिस्टर कर लेगा, और अगर हमने शार लेडी को पढ़े तो उनको छोड़ देंगे, बैकअप हो गया, चलन रिलीज हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग द रिकवरी कैटलॉग, यूज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूटिलिटीज और द डेटा पंप यूटिलिटीज टू मूव द रिकवरी कैटलॉग फ्रॉम वन डेटा बेस टू अनदर, क्रिएट अ लॉजिकल बैकअप ऑफ द आर्मेन रिकवरी कैटलॉग, ठीक है। अब करें जरा EXPDB यूज करें और जो आपका जो रिकवरी कैटलॉग का यूजर है उसका एक एक्सपोर्ट ले लें, उसका एक लॉजिकल बैकअप ले लें, करें।
सिस्टम यूजर से ले रहे हैं आपने, सिस्टम यूजर से ले रहे हैं। डेटा पंप की एक्सपोर्ट की यूटिलिटी ने उससे यूज करना है आपने। लॉजिकल बैकअप लेना है आपने, तो सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। इधर देखें कि आपने कैसे करना है। जैसे आप चाहते हैं कि यू 01 पे बैकअप की डायरेक्टरी, ये आप यहां पे आप वो एक्सपोर्ट लें। अब डेटाबेस में आए और यहां पे आप करें क्रिएट डायरेक्टरी माई EXPDIR कर देते हैं, इसको कुछ भी नाम दे दें एस और आगे स्लैश /u01/backup सिंगल कोर्स में। तो EXPDP यूज करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्टरी जरूर होनी चाहिए। हमने EXPDIR के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है और आप इस डायरेक्टरी पे, क्योंकि सिस्टम यूजर ने यूज करनी है तो फिर ग्रांट देने की जरूरत नहीं। अगर किसी नॉर्मल यूजर ने, एक यूजर ने अपना स्कीमा का बैकअप लेना है तो इस डायरेक्टरी के ऊपर उसको रीड राइट की एक्सेस दे दें, वो हम नहीं कर रहे, हम सिस्टम यूजर से करेंगे। तो मैं करता हूं जी, टर्मिनल पे आ जाता हूं, यहां पे लिखूंगा EXPDP सिस्टम ओरेकल सिस्टम और उस आपकी डेटाबेस में जो यूजर का नाम पासवर्ड है उसका वो देंगे, डायरेक्टरी इक्वल्स टू EXPDIR हमने की थी डंप फाइल, हाँ वो डंप फाइल इक्वल्स टू आर मेन अंडरस्कोर कैटलॉग .dmp और स्कीमा इक्वल्स टू स्कीमा इक्वल्स टू आर मेन अंडरस्कोर प्रॉप स्कीमा स्कीमा इक्वल टू आगे जो जिस यूजर का बैकअप लेना चाहते हैं उस यूजर का नाम दे देंगे। क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम एस आगे नाम और डंप फाइल, इस नाम से फाइल बनाएगा और उसमें बैकअप लेगा। ये हमने किया था ना एडमिन वन में, हमने किया था इसको लास्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट चैप्टर लॉजिकल बैकअप। करें जी जल्दी करें आप, तो सर मुझे लगता है सारी एडमिन वन आपको दोबारा करानी पड़ेगी। बड़े अफसोस की बात है। स्कीमास इक्वल टू जिस यूजर का बैकअप लेना उस यूजर का नाम दे दें, ये बेसिकली कैटलॉग का जो कैटलॉग वाला जो यूजर है उसका नाम देंगे आप, आर मैन है या आर मैन एंड प्रॉड है या आर मैन प्रॉड है, ये जो भी आपने यूजर बनाया। ये समझ आ रही है ये क्या कर रहा हूं मैं? तो जी भाईजान समझ आ रही है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हालात खराब है। ओके देन आप अपग्रेड कर सकते हैं कैटलॉग को, ड्रॉप भी कर सकते हैं। अपग्रेड कैटलॉग की कमांड है, अगर आप रिकवरी कैटलॉग पे जाएं तो वो अपग्रेड कर देगा, लेकिन कैसे? लेट्स से आपने आपकी रिकवरी कैटलॉग 10G की डेटाबेस में बनी हुई है, आप उसे 11G पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप क्या करें 11G का जो है आरमेन का टूल वो इन्वोक करें किसी भी मशीन से। लेट्स से एक मशीन पे 11G इंस्टॉल हुई है, वहां से आप आरमेन इन्वोक करें, कैटलॉग लेट्स से किसी दूसरी मशीन के ऊपर है वो 10G की डेटाबेस है, उससे कनेक्ट हो और अपग्रेड कैटलॉग की कमांड दे, वो जो आरमेन का वो है टूल है ना वो 11G का, उसको अपग्रेड करके डेटाबेस 10G की रहेगी लेकिन वो कैटलॉग अपग्रेड होके 11G की हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें जो टेबल्स का स्ट्रक्चर है वो नए टेबल्स हैं, वो नए टेबल्स क्रिएट कर देगा उसमें। तो कैटलॉग है क्या? सेट ऑफ टेबल्स, सेट ऑफ स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम कैटलॉग कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कैसे अपग्रेड पता समझ आए कि नहीं है कि आप अगर आपने कैटलॉग अपग्रेड करनी है तो आप हायर वर्जन की आर्मिन यूटिलिटी इन्वोक करें, उससे रिकवरी कैटलॉग से कनेक्ट हो और अपग्रेड कैटलॉग की कमांड दें, उसमें जो नेक्स्ट वर्जन की जो अगर आपके टेबल्स हैं जो भी हैं वो खुद ही क्रिएट करेंगे, तो उसमें जो पुराने होंगे उसमें उसको चेंज नहीं करेंगे। नहीं सर, ये लिखा है कि ड्रॉप करने के लिए कैटलॉग का स्कीमा, तो ड्रॉप कैटलॉग हाँ, तो ये वो कैटलॉग ड्रॉप करेगी वो स्कीमा उसके टेबल सारे ड्रॉप कर देगा, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड होंगे ना, आप करेंगे कनेक्ट
कैटलॉग यूजर नेम पासवर्ड और ड्रॉप कैटलॉग की मान लेंगे, तो वो सारे टेबल्स ड्रॉप करेगा, सारे स्कीमा ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप करेगा, उसके स्कीमा में कुछ भी टेबल बना सकते हैं। हां बना तो ये वो तो नहीं ड्रॉप करेगा, नहीं ये सिर्फ वो करेगा जो अच्छा आप इंपोर्ट, ये 11 जून वर्ड नया फीचर है, इंपोर्ट कर सकते हैं किसी कैटलॉग को एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में। जैसे यहाँ पे कर रहे जी, आप क्या करें जिस जहां पे आपने इंपोर्ट करना है उसमें आप कनेक्ट कर लें। लेट से आपने किया जी, ये आपकी एक डेटाबेस है जिसमें आपने कोई कैटलॉग क्रिएट किया, एक स्कीमा क्रिएट किया है, ठीक है, उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दिया हुआ। आप करें कनेक्ट कैटलॉग यूजर नेम पासवर्ड और एट द रेट डेटाबेस का नाम, अगर वो लोकल डेटाबेस है तो एट द रेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक रिमोट की और डेटाबेस है, उसमें ऑलरेडी रिकवरी कैटलॉग बनी हुई है, उसमें डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, वहां से आप डेटा इधर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट कैटलॉग उस दूसरी डेटाबेस के यूजर का नाम, उसका पासवर्ड एट द रेट उस डेटाबेस का 10 सेंटर। नेट समय आपकी मशीन के ऊपर इसको एग्जांपल के साथ के एक ये मशीन है, मसला ये है कि वो नेटवर्क डाउन हुआ है। नहीं मतलब ये जो आपने पहले लिखा है कि मैं कैटलॉग, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे पास कैटलॉग है, फर्ज करें इसमें मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें आपके पास ऑलरेडी ये एक प्रोडक्शन डेटाबेस है, ये आपके पास कैटलॉग है, यूजर बना हुआ है आरमैन के नाम से, और ये डेटाबेस इसमें रजिस्टर्ड है। आपने एक नई मशीन बनाई, उसमें आपने एक यूजर बनाया आरमैन प्रॉड के नाम से, उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दिया आपने, उस पर अभी कैटलॉग क्रिएट नहीं किया आपने, ठीक है। आप क्या करें, आरमैन पे आते हैं, कैटलॉग से कनेक्ट होते हैं, ये किस वाली शो रही है ये आप जिसमें आप लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, नई वाली जो यूजर ने पासवर्ड देंगे, ठीक है, आप कनेक्ट हो गए, फिर आप यहां पे करेंगे इंपोर्ट कैटलॉग, इस मशीन का जो यूजर ने पासवर्ड है आरमैन का, ऐसे आरमैन है उसका पासवर्ड भी आरमैन है, और एट द रेट उसकी टीएनएस एंट्री जो आपने यहां पे क्रिएट की नेट आपने किए थी कैट, तो वहां से इंपोर्ट करके इसमें डाल दें। हाँ डुप्लेक्स उसको मल्टीप्लेक्सिंग करें, हाँ बिल्कुल, जितनी डेटा सबकी आ जाएगी, पर्टिकुलर डेटाबेस की करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सर अब ये तो आपस में एक दफा हो गई, लेकिन अब दोबारा वो अपडेट हो रही है तो नहीं हो रही। अच्छा अब ये चीज, ये अच्छा वैसे कैटलॉग कंट्रोल फाइल से रीसिंग होती है, हाँ, हाँ। क्या एक कैटलॉग दूसरी कैटलॉग से रीसिंग हो सकती है? नहीं, वो फिर आपको इसको टारगेट से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको रीसिंग की कमांड चलानी पड़ेगी। अच्छा अब जल्दी चली गई थी ना गवर्नमेंट। अच्छा पर्टिकुलर डेटा बेसिस को आप करना चाहते हैं इम्पोर्ट, तो डीबी आईडी देंगे, हर डेटाबेस की आईडी होती है जिसको डीबी आईडी कहते हैं, यूनिक होती है हर डेटाबेस की। देखें आर में कनेक्ट होगा उस वक्त भी आपको बता देगा, और नेटवर्क नहीं आपको इनको बुलाना पड़ेगा। चलिए आते हैं, तो फिर डीबी आईडी आप देख सकते हैं, वी डालसन डेटाबेस है, किसी भी डेटाबेस की डीबी आईडी देखनी हो तो वी डालसन डेटाबेस से देख सकते हैं, और रिकवरी कैटलॉग में कौन सी डेटाबेस रजिस्टर्ड है उनकी डीबी आईडी कौन से हैं, उसमें आरसीबी अंडरस्कोर डेटाबेस का एक व्यू होगा, उसमें से आप देख सकते हैं कौन कौन सी डेटाबेस है, उनके नाम क्या, उनकी डीबी आईडी क्या है, हर डेटाबेस की अपनी जो डीबी आईडी है वो वी डालसन डेटाबेस के व्यू से आपको देख सकते हैं, और जब या फिर आप आरमैन के प्रॉम्प्ट पे कनेक्ट हो रहे हो टारगेट डेटाबेस के साथ तो डेटाबेस का नाम और उसकी डीबी आईडी शो हो रही है। अगर हमने कैटलॉग से सिलेक्टेड डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है, हाँ, तो डीबी आईडी उनकी देनी पड़ेगी, ठीक है। टारगेट से कनेक्ट होंगे, हाँ, जिस टारगेट से कनेक्ट होंगे वो टारगेट रजिस्टर हो जाएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीपल लेट्स से आप एक टारगेट कैटलॉग से भी कर रहे हैं, दूसरे से भी कर रहे हैं, और अच्छा हाँ एक और चीज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस से इसको अनरजिस्टर कर देगा डेटाबेस को, ये कैटलॉग एक्चुअली कॉपी नहीं हो रही बल्कि मूव हो रही है, ठीक है, एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में, एक स्कीमा से दूसरी स्कीमा में मूव हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि नो अनरजिस्टर की स्टेटमेंट दे दें तो फिर कॉपी हो,
देखिए वो ये सिर्फ और सिर्फ ये यूजेज इसलिए ओरेकल ने दिया 11G ऑनवर्ड कि आप समटाइम्स ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि आप डाटा कभी कैटलॉग एक मशीन पे बना रहे होते हैं, कभी दूसरी मशीन पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, कभी तीसरी मशीन पे, तो आप इंस्टेंट के फाइल में लेके जाएं, फिर फाइल को उधर जाके इंपोर्ट करें, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सर यही इसका मतलब है कि एक कैटलॉग का भी बहुत सी कैटलॉग के भी एक कैटलॉग बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कह सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। अच्छा दूसरा कैटलॉग बनाने के लिए एक आम सिंपल मशीन चल जाती है बिल्कुल नॉर्मल एक P4 मशीन उस देखें उसमें लोड ही नहीं होता ना, उसमें तो कोई लोड नहीं होता, उसमें सिर्फ डाटा एंट्री और वो भी कुछ रिकॉर्ड एंटर हो रहे होते हैं। देखें आपके 100 डाटा बेसिस होंगे, आप डेली बैकअप लेंगे तो हार्डली उसका 20 MB 50 MB साइज आएगा आपकी उस कैटलॉग का। हाँ नो रजिस्टर वाली, नो अनरजिस्टर बिल्कुल अगर आप नहीं कराना चाहते डिपेंड करता है आप। ओके कह रहे हैं जी वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग VPC। अच्छा VPC यूज होता है जी के आपके इन्वायरमेंट में DBAs मल्टीपल हैं, जैसे बड़े इन्वायरमेंट्स में होता है ऐसे, और इन्वायरमेंट्स हैं लेट्स से 50 डेटा बेसिस हैं और 5 DBAs हैं, हर DBA को 10-10 डेटा बेसिस मिली हुई हैं। अब नॉर्मली क्या होता है एक ही रिकवरी कैटलॉग है और सारी डेटा बेसिस उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो हर DBA उस रिकवरी कैटलॉग से कनेक्ट होकर जो डेटा बेसिस उसकी रेलिवेंट नहीं है उनकी बैकअप की इन्फॉर्मेशन भी देख सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप ये कर सकते हैं कि एक मेन कैटलॉग हो उसके ऊपर आप वर्चुअल कैटलॉग्स बना रहे हैं, जैसे व्यूज एक्चुअली होते हैं व्यूज ही हैं, यानी कि आप एक मेन कैटलॉग बनाएं हर DBA के लिए एक वर्चुअल कैटलॉग बनाएं, जैसे DBA 1 है, DBA 2 है, DBA 3 है, DBA 4 है, DBA 5 है, हर एक के लिए उसके नाम से या किसी भी नाम से एक वर्चुअल कैटलॉग बनाएं और उनको सिर्फ उन डेटा बेसिस के राइट्स दें। अब वो जब कनेक्ट होंगे तो वो वर्चुअल कैटलॉग से कनेक्ट होंगे और बैकअप एंड रिकवरी के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उनको सिर्फ अपनी रेलेवेंट डेटा बेसिस नजर आ रही होंगी, बाकी डेटा बेसिस नहीं। हाँ देखिए नया यूजर तो बनेगा, नया यूजर बनेगा उसको राइट्स मिलेंगे और वो जब वो बेस कैटलॉग के ऊपर उसको व्यूज बना के दे दिए जाएंगे और उसमें सिर्फ उसकी अपनी डेटा बेसिस मिलेगी। यस बिल्कुल है, उस डेटा बेस जो मिलेगी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसके ऊपर फुल राइट्स, उसको फुल राइट्स सिर्फ रिकवरी कैटलॉग के ऊपर उसको पढ़ने का। आपको एक स्टेटमेंट बताएंगे कि जो हमारा नहीं की थी कि जो वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग रिक्वेयर करने ताकि अगर वो यूजर है वो डेटा बेस बैकअप ले सके रिस्टोर ना कर सके, ऐसी कोई नहीं 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 ये बैकअप भी ले सकता है रिस्टोर भी कर सकता है जो डेटा बेस रोक सकते रिस्टोर से। हाँ नहीं नहीं रिस्टोर से नहीं रोक सकते ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले तो बेस कैटलॉग बनाए जो हमने अभी तक बना ली हुई है, पहला स्टेप हमने कर लिया हुआ है इस केस में ठीक है। हमने क्या किया जी क्रिएट कनेक्ट कैटलॉग, कैटलॉग ओनर, उसका पासवर्ड एट द रेट जिसमें कैटलॉग क्रिएट करनी है, उसका यूजर, जो भी आपने सारा काम किया अभी तक ठीक है। और फिर आपने क्रिएट कैटलॉग कमांड दिया, फिर आप दोबारा क्या करें एक VPC यूजर बनाएं और उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दे दें। यहां पे देखते हैं वो कनेक्ट हो गया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको बुलाएंगे जरा ओके जी देखते हैं जी जरा इसको परफॉर्म करके। हाँ जी अच्छा अब हम देखें स्टेप्स देखें हम जो कर रहे हैं, नॉर्मली ये यूज नहीं होता लेकिन अगर आप कभी यूज करना चाहें इसको देखिएगा जी। लेट से हम एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, मेरी रिकवरी कैटलॉग किसी डेटाबेस में तो वो यूजर भी इधर ही होना चाहिए ठीक है। मैं करूंगा जी क्रिएट यूजर VPC 1 ठीक है जी, ग्रांट करेंगे इसको ठीक है जी। इतना काम हमने पहले भी किया था, अब आपने क्या करना है आर्मेन के प्रॉम्प्ट पे आ जाना है और कैटलॉग और बेस जो कैटलॉग है उस यूजर से कनेक्ट होना है, वो है जी आर्मेन उसको प्रॉड उसका पासवर्ड
और यहां पे आके आपने उसको राइट्स दे देने हैं ग्रांट, ये आपने ग्रांट रजिस्टर्ड डेटाबेस टू और उस यूजर का नाम, हमें ग्रांट डेटाबेस टू वीपीसी वन। अब वो कोई डेटाबेस रजिस्टर कर सकता है, ये जो सर ग्रांट है ये अब ये जो कैटलॉग की डेटाबेस में सेव हुई है। यस इसमें सेव। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, आपने शुरू में जो मेन बेस कैटलॉग मिला उसको भी आपने सिंपल यही कर दिया कि जो उसकी आपको उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दिया था। हाँ अभी क्योंकि वीपीसी यूजर है तो उसको हम ग्रांट रजिस्टर्ड डेटाबेस देंगे तो तब वीपीसी यूजर क्रिएट कर सकेगा। अभी आगे हम क्रिएट करेंगे हाँ वो रोल भी उसको चाहिए। हाँ वो रोल वो क्रिएट कैटलॉग करेगा तो वो अपने कैटलॉग बना लेगा लेकिन वो वीपीसी कैटलॉग नहीं होगी, वो वर्चुअल नहीं होगी। अगर वर्चुअल बनाएगा तो फिर ये स्टेप्स उसको करने पड़ेंगे। अच्छा ये आपने कर लिया, फिर नेक्स्ट जो है ग्रांट रजिस्टर्ड डेटाबेस, अच्छा ग्रांट कैटलॉग फॉर डेटाबेस टू वीपीसी, ये जरूरी नहीं है। लेट्स से ऑलरेडी एक डेटाबेस रजिस्टर्ड है रिकवरी कैटलॉग के अंदर, वो इस ये यूजर उसको मैनेज कर रहा है तो आप उस डेटाबेस के कैटलॉग आप इसको दे सकते हैं, यानी कि उस डेटाबेस को आप चाहते हैं कि इसको असाइन कर दें, उसकी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन इसको विजिबल हो जाए। तो आप यही तो पर्पज है वीपीसी का कि हम एक खास डेटाबेस को रिकवरी करें। लेट्स से आप इस ये यूजर पांच डेटाबेसेस मैनेज कर रहे हैं, दो डेटाबेसेस ऑलरेडी कैटलॉग में रजिस्टर्ड है जो बेस कैटलॉग है, तीन नई है नई वाली अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ग्रांट रजिस्टर्ड डेटाबेस उसको देंगे तो वो नई डेटाबेसिस को रजिस्टर कर सकेगा, और ग्रांट कैटलॉग फॉर डेटाबेस देंगे तो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड डेटाबेसिस हैं वो भी उसको व्यू कर सकेगा, उनके बैकअप ले सकेगा, उनकी रिकवरीज कर सकेगा। समझ आ गए? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जरूरी नहीं है, अगर 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 उसके ऑलरेडी डेटाबेसिस को रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें डेटाबेस का नाम ही आ गया। यस जी जी बिल्कुल, जो भी जैसे मेरे केस में डीबी इलेवन जी में कर दूं तो वो डेटाबेस एक दिन है तो वो एक दे के बाकी वो रजिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अरे सर जो बाकी वो रजिस्टर करेगा हाँ, तो वो जो मेन बेस यूजर है इसका हाँ, उसको वो भी नजर आएंगे, उसको बेस को सब नजर आएंगे, वीपीसी को सिर्फ अपनी नजर आएंगे। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, अब आपने वर्चुअल कैटलॉग क्रिएट करनी है, आप वर्चुअल यूजर से कनेक्ट हो जाए और क्रिएट वर्चुअल कैटलॉग की कमांड दे दें। ठीक है, ये देखिएगा कंफ्यूज नहीं करना आपने, अब आपने क्या करना है, ये इतना काम कर लिया आपने बेस कैटलॉग से, अब आप करेंगे आर मेन टारगेट, सॉरी टारगेट नहीं कैटलॉग बीपीसी वन बीपीसी वन, और यहां पे आप करेंगे क्रिएट वर्चुअल कैटलॉग। ये जो वर्चुअल कैटलॉग बना रहा है इसमें कौन है जो सर रजिस्टर करेगा? नहीं, ये से पहले जो कमांड होता है ये क्या करेगा, वर्चुअल कैटलॉग बना रही 50 डीबी थी मेन कैटलॉग के साथ, इसमें से 10 कर नहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर तो मैन में ऑलरेडी हुई हुई है तो फिर तो उसको दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है ना। देखिए हाँ ये देखें आप, फिर वो ये करें ना, अगर आप चाहते हैं कि उसको सिर्फ वो 10 मिले तो ग्रांट कैटलॉग फॉर डेटाबेस और डेटाबेस का नाम टू टू, आप 10 डेटाबेस वन बाय वन करके इसको असाइन करें। यहां पे हम बेस से कनेक्ट हुए, दिस इज द बेस कैटलॉग, आप ये सब बेस से कनेक्टेड है, और उसको यहाँ पे जो डेटाबेस असाइन करेंगे वो उसको मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कुछ वो उसको नई डेटाबेस पे एडमिनिस्ट्रेशन के मिलने वाली है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपने ग्रांट रजिस्टर्ड डेटाबेस टू आपने उसको दे दिया, वो नहीं भी रजिस्टर कर सकता है। सर अभी तक यही कि जो हमने क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट किया वर्चुअल कैटलॉग उससे पहले तक ऑलमोस्ट वही है सारे, ये आर मैन से हमने कनेक्ट होकर किया, आपने आर मैन से किया, कोई इसमें बाकी नई चीज सिर्फ ये वाली है कि ग्रांट रजिस्टर्ड डेटाबेस आपने उसको दे दिया और ग्रांट कैटलॉग फॉर डेटाबेस उसको दे दिया। हाँ लेट्स से वो उसको मिल जाती है, उसके उसका यूजर नेम पासवर्ड उसके पास आ जाता है, उसकी डीएनएस एंट्री होती है, उसके बाद वो रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो कोई भी एक नई डेटाबेस जो खुद रजिस्टर करेगा वो उसको या फिर बेस आने को विजिबल। यस सबको विजिबल नहीं, समझ आ गई आपको? अच्छा ये आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी वर्चुअल कैटलॉग क्रिएट होगी, लेकिन ये फॉर 11G डेटाबेसिस है, अगर आपके प्री 11G डेटाबेस उसको कोई मिल जाती है वो भी आप चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वो जो बीपीसी ओनर जो वर्चुअल कैटलॉग क्रिएट करेगा वो करेगा जी एग्जीक्यूट कैट ओनर डॉट डीबीएमएस अंडरस्कोर आरसीबी कैट डॉट क्रिएट अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर कैटलॉग, इस पैकेज के थ्रू वर्चुअल कैटलॉग क्रिएट करेगा। अगर आप सिंपली क्रिएट वर्चुअल कैटलॉग करेंगे तो उस वर्चुअल कैटलॉग में सिर्फ 11G वाली डेटाबेस रजिस्टर हो सकती है, आप चाहते हैं 10G 9I वाली डेटाबेस भी रजिस्टर हो तो फिर आप बीपीसी ओनर से कनेक्ट होंगे या बीपीसी वन हमारे केस में उससे कनेक्ट होंगे और फिर ये कमांड देंगे आप, तो वो ऐसी डेटाबेस भी रजिस्टर कर सकेगा जो कि 11G से पहले वाली है। इसको समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नहीं तो पूछें फिर। नहीं 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 ये सिर्फ आप कैट ओनर, ये पैकेज का नाम है कैट ओनर डॉट आर डीबीएम डीबीएमएस भी कैट डॉट क्रिएट अंडर वर्चुअल अंडरस्कोर कैटलॉग, ये सारे आपने एज इट इज देने। ठीक है, इसमें कोई आपने नहीं करना, और अब आप जब आपने ये कर लिया वर्चुअल कैटलॉग क्रिएट कर लिया, अब उस वर्चुअल
कैटलॉग के अंदर कोई डेटाबेस रजिस्टर करनी है तो वही तरीका है, आप टारगेट से कनेक्ट होंगे, कैटलॉग से कनेक्ट होंगे और रजिस्टर डेटाबेस। अच्छा, आप कैटलॉग से कनेक्ट होंगे, हम अपना आपको देंगे। हाँ, बीपीसी वाला देंगे, वो मेरे पास तो बेस का होगा ही, हो गई नहीं डेफिनेटली। अच्छा अच्छा सर, मैंने बीपीसी से कनेक्ट हुआ और टारगेट में मैं किसी ऐसी डेटाबेस कनेक्ट होगी जो मेरे बीपीसी के साथ रजिस्टर नहीं है। हाँ, वो आपको नहीं कनेक्ट होने नहीं देगा, वो कनेक्ट होने देगा, आप बैकअप लेंगे या रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे, रजिस्टर नहीं करने देगा, बैकअप करने की कोशिश करेंगे, बैकअप बैकअप नहीं करने देगा। केस की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कैटलॉग में मौजूद है, एंड करके देखें। हाँ, ठीक है जी, दैट्स इट अबाउट रिकवरी कैटलॉग जी। असाइनमेंट में एक चीज ये भी ऐड कर लें, रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करना, डेटाबेस रजिस्टर करना और फिर वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग क्रिएट करना और उसके ऊपर राइट्स देना, ये सारी चीजें। पहला पॉइंट ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल, रिकमेंडेड ये है कि बड़ी इन्वायरमेंट हो तो यूज करें, अदरवाइज आप कर सकते हैं। थर्ड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग थर्ड सही, फर्स्ट एंड थर्ड सही सर। लेकिन ये लाजमी कि आप ईएम तभी आप करेंगे जब आप उसको, देखें ईएम में अगर आपने उसको जैसे हमने किया था वो ना ही करेंगे तो रिकवरी कर लांग तो उसका पता ही नहीं है उसको, वो सिर्फ बैकअप ले लेगा। जो भी हमने लिया है